हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोनिका और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एगलेस चॉकलेट केक रेसिपी, जो आप कभी भी घर में बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। तो हमने ले लिया है केक बनाने के लिए ये ऑयल, 1/4 कटोरी ऑयल है, मैदा, चीनी, ये वेनिला एसेंस मैंने ले लिया है, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और ये दूध ले लिया है रूम टेम्परेचर का, और विनेगर मैंने ले लिया है वाइट। तो इसके साथ ही मैंने फ्लेवर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ले लिया है एक कॉफ़ी का सैशे। अगर आपके पास ना हो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनको छान लेंगे अच्छे से। तो मैंने मैदा डाल दिया है, छन्नी ले ली है, मैदा डाल दिया है, और चीनी जो है हमें पाउडर बना के लेनी है वो भी डाल दिया है, और ये कोको पाउडर है ये मैंने 4 चम्मच ले लिए हैं। और ये बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून ये भी डाल देंगे, और अब बेकिंग पाउडर, ये हम बेकिंग सोडा से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो सारे सामान को हमने डाल दिया है छन्नी में। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिल जाए, और हम इन्हें छान लेंगे। याद रखिए जो आप छन्नी यूज़ करें वो बारीक हो, क्योंकि अगर वो मोटी होगी तो उससे सारा जो मोटा जो कंकर वगैरह रहते हैं वो नीचे आ जाएंगे और आपका केक सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो छन्नी जब भी लें बारीक छेद वाली लें, इसे अच्छे से छान लें। तो ये हमारा छन चुका है अच्छे से, एक बार और मिला लेंगे इसको। तो अब जो हमारे सूखे इंग्रेडिएंट थे ये तैयार है, इन्हें हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें मिलाने के लिए आसानी रहेगी। जब हम इसमें अपने तेल वगैरह डालेंगे तो हमें मिलाने के लिए आसानी रहेगी। तो अब इसमें हमें तेल वगैरह डालने से पहले, हमें इसका बैटर बनाने से पहले हम लगा देंगे प्रेशर कुकर को प्री हीट पे। तो चलिए पहले ये मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर, 5 लीटर का है। तो आप इसमें सबसे पहले डाल देंगे इसमें नमक, क्योंकि हमें केक को करना है बेक। तो मैंने 1 कटोरी नमक ले लिया था, सादा नमक ले लिया था, वो इसमें डाल दिया, और इसके ऊपर इसमें स्टैंड चढ़ा दिया है। अगर किसी के पास स्टैंड ना हो तो आपके पास जो थाली होती है सिंपल थाली, आप उसको उलट कर रख सकते हैं, उल्टा करके रख सकते हैं तो भी चलेगा, अगर स्टैंड हो तो बहुत अच्छी बात है। तो 10 मिनट के लिए प्री हीटिंग के लिए मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है, और इन 10 मिनट में हम करेंगे यहाँ बैटर तैयार, क्योंकि इस बैटर को हमें ज़्यादा नहीं रखना होता है। इसमें हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला है। तो चलिए मैंने डाल दिया था इसमें 1/4 कटोरी ऑयल, और उसके बाद डाल दिया मैंने वेनिला एसेंस 1 चम्मच। इस एसेंस से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये ले लिया है मैंने ल्यूक वार्म वाटर, सील गर्म सा पानी ले लिया है, 1/2 कप के करीब ये ले लिया है, और इसमें हम डाल देंगे ये जो सैशे मैंने कॉफ़ी का लिया था, और इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर। अब हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। और इसे भी हम बैटर में डाल देंगे। बस अब हमें बैटर को हल्के हल्के हाथों से हिलाना है। याद रखें बहुत ज़ोर से ना हिलाएं, और एक ही तरफ को चलाएं, दोनों तरफ को ना चलाएं जो केक का बैटर है।
तो इसे हमें हल्के हाथों से एक ही तरफ को घुमाना है और कट एंड फोल्ड वाली जो मेथड है वो हमें यहाँ यूज़ करनी है। तो ये जो हमने दूध लिया था ये ठंडा ना हो तो इसका आप ध्यान रखें, ये रूम टेम्परेचर पे मैंने रख दिया था, फ्रिज से पहले निकाल के रख दिया था। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, हमें अपनी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है, ज़्यादा बारीक जो ज़्यादा पतला है हमारा बैटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा केक जो है मेल्टेड सा बनेगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा दूध मेरा लगा है इसमें, बिल्कुल वो सारा जो हमने लिया है वो सारा नहीं लगेगा। तो क्योंकि हमने पहले ही इसमें पानी भी डाला था और कॉफ़ी वाला, और हमने इसमें तेल भी डाला है, तो थोड़ा ध्यान से डालें, कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें जिस तरह की आप देख रहे हैं, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसमें होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना पतला होना चाहिए और ना ही थिक होना चाहिए। तो बैटर हमारा हो गया है तैयार, और मैंने ले लिया है ये स्टील का डब्बा, इसमें मैंने चारों तरफ तेल को अच्छे से लगा दिया था, और इसमें हम इस बैटर को डाल देंगे जो हमने बनाया है। बैटर डालने के बाद हमें इसे दोनों हाथों से करना है टैप, हमें इसे उठा के पटकना है ताकि जो इसमें एयर पॉकेट्स है, जो इसमें बबल्स बन जाते हैं वो ना रहे। तो अब हमें डालना है इसे प्रेशर कुकर में, ध्यान रखें प्रेशर कुकर को थोड़ा ध्यान से खोलें क्योंकि ये हमने प्री हीट पे लगाया था और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ध्यान से इस डब्बे को इसमें डालें। और उसके बाद हमें प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देना है, विसल हमें नहीं लगानी है, तो गैस को हमें सिम कर देना है। तो ये देखिए आफ्टर 45 मिनट्स हमारा केक बेक हो चुका है। तो बीच में मैंने एक बार इसे टूथपिक से चेक किया था, टूथपिक को आप केक का जो बैटर हमने डाला होता है उसके बीच में डाल के देखें, अगर आपकी टूथपिक साफ़ निकलती है तो आपका केक तैयार है, अगर नहीं निकलती है तो उसमें थोड़ा टाइम बाकी है, इसमें 40 से 45 मिनट लग जाते हैं लो फ्लेम पे। तो अब हम इस केक को पहले ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे कॉर्नर से ऐसे निकाल लेंगे, तो इस पे प्लेट लगाकर इसे हम उलट देंगे और इसे टैप करके चारों तरफ से, क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर हमने इसमें नहीं लगाया था, तो हमने बिल्कुल साधारण तरीके से इसको बनाया है, तो हमने इसमें ऑयल ही लगाया था तो बैटर चिपक जाता है, तो इसे टैप करके हम निकाल लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा एगलेस चॉकलेट केक, अब बस दूसरी तरफ प्लेट लगा के इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा एगलेस चॉकलेट केक, ये बहुत ही स्पॉन्जी बना है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना